दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अपने फोटो और सिग्नेचर दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं। आपको याद होगा, जब भी आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमेशा वो मांगता है कि फ़ोटो जो हमेशा सिग्नेचर के साथ अटैच होनी चाहिए, और फ़ोटो का साइज 3.5x4.5 होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 3.5x1.5 होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक अटैच फोटो एंड सिग्नेचर बाय यूजिंग एमएस पेंट। ठीक है, तो अभी आप ये चीज़ एसपी स्काईवार्ड चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके आप इसे नोटिफाई कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज़ हम एमएस पेंट पे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप एमएस पेंट ओपन कर लीजिए। ये देखिए, एमएस पेंट हमारा ओपन हो गया। और एक चीज़ आप जान लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चूँकि पिक्चर का साइज क्या होगा, पिक्चर का साइज होगा 3.5x4.5, इतना मांग रहा है, और सिग्नेचर का साइज क्या मांग रहा है, 4.5, इनका हॉरिजेंटल होगा और वर्टिकल होगा 1.5 cm। ठीक है, तो टोटल साइज अगर हम कंबाइन करेंगे तो टोटल साइज आप मेरा ये बनेगा 6 cm जो है कि वर्टिकल बनेगा, और 3.5 cm हमारा हॉरिजेंटल साइज बनेगा। ठीक है, तो जब भी आप एमएस पेंट में ये चीज़ यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको सेंटीमीटर नहीं दिखेगा, आपको हमेशा पिक्सल दिखेगा। ठीक है, तो पिक्सल पे कन्वर्ट करने के लिए आप देख लीजिए, 3.5 cm को हम पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 132 pixels, और 6 cm को पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे 2 to 7 pixels होगा, और 4.5 cm को पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 170 pixels, और 1.5 cm को पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा 57 pixels। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है, ये फोटो काम करना है, देन हमें सिग्नेचर का काम करना है, उसके बाद अटैच कर देंगे हम। इसके लिए हम एमएस पेंट ओपन कर लिए, तो जहाँ से हमें ओपन करना है हम कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा फोटो रखा हुआ है, डेस्कटॉप एक फोल्डर के अंदर है, ये रहा मेरा फोटो। ठीक है, इसका विड्थ कितना करना है, इसका वेट हमें करना है कितना, 4.5 cm, 4.5 cm को पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 170 pixels। वेट हो गया आपका वर्टिकल, और पिक्सल पर क्लिक करने के बाद आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक कर लीजिएगा, देन आप इस पर 170 pixels हो गया। और हॉरिजेंटल में देख लेते हैं कितना होता है, 3.5 cm का, 3.5 cm को पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 132 pixels। ठीक है, ये देखिए हमारा अब हो गया, अब ओके करेंगे ये वहाँ पे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव एज डेस्कटॉप संभव एडिटेड। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज की कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, जो जिसमें भी आपको करना है, PNG, JPG जो भी मांग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, देन सेव, ये सेव हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हमें काम किस पे करना है, सिग्नेचर पे। सिग्नेचर पर हमें कितना बनाना है, 3.5 cm इसका हॉरिजेंटल होगा, और वर्टिकल कितना होगा, 1.5 cm। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आप एम एस पेंट ओपन कर लीजिए। एम एस पेंट हम फिर से ओपन कर लिए, देन हमारा सिग्नेचर जहाँ है वहाँ से हम उसे ब्राउज कर लेते हैं। ये रहा मेरा सिग्नेचर। ठीक है, और इसे एडिट करने के लिए रिसाइज पे क्लिक करेंगे, देन पिक्सल पे, देन मर्ज एस्पेक्ट रेशियो। अब हम देख लेते हैं हमें हॉरिजेंटल कितना चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए 3.5 cm, और 3.5 cm को अगर हम पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 132 pixels। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 132 pixels। ठीक है, और वर्टिकल में कितना चाहिए, 1.5 cm। ये देखिए,
ये तो हॉरिजेंटल हो गया और ये है हमारा वर्टिकल, ये यहाँ से होकर वर्टिकल 1.5 सेंटर को 1.5 सेंटीमीटर को वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57 पिक्सल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 57 पिक्सल, ठीक, देन ओके कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपका रेडी हो गया। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से इसे सेव कर लीजिए, सेव एज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाइए, तंबू सिग्नेचर एडिटेड, मैंने इसका ये नेम दे दिया, JPG रखना इमेज की कैटेगरी, देन सेव कर लिए। ठीक, अब यहाँ से हम न्यू कर लेते हैं। न्यू करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों को अटैच करना है। अटैच करने के लिए आप थोड़ा साइज लंबा ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए एरो निशान आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, पेस्ट फ्रॉम, ये आपको लोकेशन दे देगा कि आप इसे कहाँ से पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर तो मेरा जो अभी मैंने एडिट किया है वो डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, तो डेस्कटॉप पे देखते हैं कहाँ पर है। डेस्कटॉप पे ये रहा, ये आ गया मेरा यहाँ पे। और दूसरी हमें क्या करना है, सिग्नेचर भी करना है, तो पेस्ट फ्रॉम फिर से कर लेते हैं। सिग्नेचर भी मैंने डेस्कटॉप पे एडिट करके रखा हुआ है, तो देख लेते हैं सिग्नेचर मेरा कहाँ पे है। हाँ, तो ये रहा सिग्नेचर मेरा। अब इसे यहाँ से ड्रैग करके इसके नीचे जस्ट ला के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा इमेज के साथ, इसे हम यहाँ से ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए हमारा इमेज के साथ सिग्नेचर अटैच हो गया, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉपी कलम पे मैंने ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया, मुझे ऐसे करना है, ठीक है। पिक्सल की साइज आपका ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। लास्ट ये आपका फाइनल पिक है, फाइनल पिक आपका ऐसे होगा। इसे आप कहीं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप वहाँ पर आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप 1 2 3 शंभू फाइनल इमेज, ठीक। अब ये PNG में है तो हमें JPG पे करना है, तो आप JPG सेलेक्ट कर लेते हैं, देन सेव। अब इसे क्लोज करके देखते हैं कि हमारा कैसा बना है इमेज। वाह, फैंटास्टिक, ये देखिए ये हमारा इमेज रेडी हो गया, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।